नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, प्लाट पर गाड़ी रखने के लिए मांगी जगह तो कर लिया कब्जा। जालौन कोंच जमीन चाहे सरकारी हो या स्वयं की हो, माफिया ऐसी जमीनों पर कब्जा करने में ना शासन का भय है ना प्रशासन का डर है। योगी सरकार जितनी सख्त है, माफिया उतनी ही तेजी से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भेड़ निवासी महेश कुमार ने बताया कि उनका एक प्लाट मौजा बदनपुरा में स्थित है, जिसे उन्होंने 20 अक्टूबर 2009 को पंडरी निवासी संजय कुमार से खरीदा था। पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने प्लाट पर गाड़ी रखने के लिए उनसे कहा तो महेश कुमार ने कहा रख लो। घटना 16 मई 2022 की है। जब प्लाट मालिक ने देखा तो उक्त लोगों ने उस प्लाट पर अपना गेट लगाकर जिस पर अपना नाम लिखकर कब्जा कर लिया। इस कब्जे की लिखित शिकायत उप जिलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को दी तो उन्होंने तत्काल क्षेत्र के लेखपाल नरेंद्र पटेल के साथ मंडी चौकी प्रभारी सर्वेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर भेजकर रिपोर्ट बनाकर देने का आदेश दिया, जिससे सच्चाई का पता चल सके। आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप? महेश कुमार ग्राम घर के निवासी रहने वाले हैं। आज आपने जो एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, किस संबंध में दिया? मैंने 2009 में संजय सिंह पड़ी वालों से 1200 वर्ग फुट उनके जमीन थी, 1100 की मैंने बेनामा कराया था और उसके बाद ये अर्जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि हमको गाड़ी अपनी जगह दे दे तो हम रखे रहेंगे। हमने दे दिया। अब कल हम गए तो उन्होंने उसमें फाटक लगा दिया। वो मैंने एसडीएम साहब से शिकायत की, एसडीएम साहब ने वहाँ मौके पे इंस्पेक्टर पहुँचे, तकलीफ की और उन्होंने कहा नहीं मौके पे ये कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने, किस बेस पे कब्जा कर लिया? तो ये कि हमने उन्होंने फाटक लगा दिया। नहीं तो क्यों कब्जा कर लिया, क्या बात है उनसे? ये कहा था कि ये कह रहे थे हमको गाड़ी रखने की थोड़ी जगह दे दो, हम ये रखे रहो गाड़ी रखे रहो और उन्होंने वो लगा दिया फाटक। फिर आपने एडीएम साहब की शिकायत की, एडीएम साहब ने इंस्पेक्टर को भेजा मौका लेखपाल, मौका मौने पर गए तो वहाँ मेरी रेस सही पाई गई, जगह भी सही है।